हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मैक्सिकन लीग का एक और नॉकआउट हो रहा है आज, जो कि मॉन्टेरी और पुमा सुनाम के बीच खेला जाएगा 8:40 पे, मतलब 8:45 के करीब। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे। जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जिन्होंने नहीं जुड़ना वो जा सकते हैं, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो ऐसा है ना कि मॉन्टेरी टीम जो है वो लास्ट सीज़न बहुत टाइम पॉइंट टेबल पे पहले नंबर पे रही थी। उसके बाद इनको क्लब अमेरिका ने पीछे कर दिया, फिर ये 2 पे आई, फिर 3 पे आ गई, 4, फिर ना टॉप 5 में ही थी मतलब, लेकिन पहले नंबर पे बहुत देर रही थी। लेकिन अब क्या है कि नॉकआउट हो रहे हैं बहुत जल्दी, और पुमा सुनाम जो टीम है ये टीम रैंकिंग में है इनसे ऊपर। लेकिन पुमा सुनाम के लास्ट 6 मैच की बात करूँ तो 4 मैच ये बिल्कुल 0 से हारे हैं, मतलब जिसमें इन्होंने एक भी गोल नहीं किया और ये हारे हैं। इसलिए मैं पुमा सुनाम के ऊपर ट्रस्ट तो कर नहीं सकता। तो मैं यही चाहूँगा कि मॉन्टेरी टीम जीते इस मैच को, किसी तरह निकाले, क्योंकि मॉन्टेरी को ये मैच एक नॉकआउट है। और यहाँ इस मुकाम तक ये टीम हर बार पहुँचती है, इनके लिए नया नहीं है। नॉकआउट कितने खेलती है यार मॉन्टेरी टीम, लेकिन पुमा सुनाम के लिए इतनी जल्दी नॉकआउट आना इज़ रेयर, क्योंकि वो टीम फॉर्म में नहीं है। तो मेरे हिसाब से भाई मॉन्टेरी को जीतना चाहिए यार, मॉन्टेरी को किसी भी हालात में ये मैच जीतना चाहिए। आगे चलते हैं। स्ट्राइकिंग की बात करें तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में तो देखो पहला आ जाता है बैटरेम, जो कि इनकी टीम का है। जर्मन बैटरेम ने अभी बहुत मैच खेल रखे हैं, लेकिन बैटरेम का एक्सपीरियंस जो है वो अभी भी थोड़ा मेरे को कम ही लगता है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि गोल आने की पूरी उम्मीद होती है और वहाँ ये गलती कर देता है, मतलब मैंने ऐसा लाइव मैच में देखा है। लेकिन कोई बात नहीं। एंड बी वेस्कोस की अगर बात करें तो देखिए, ब्रेंडन को इतने मैच खिला नहीं रहे, और जे कॉर्टिजो की अगर बात करूँ तो इसका तो होना ना होना एक बराबर है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। तो मैं अभी किसी अन्य स्ट्राइकर के साथ तो जा नहीं रहा। अगर मैं पुमा सुनाम की बात करूँ, भले ही ये टीम लास्ट के 6 मैच हारी हो, लेकिन उनको पता है कि हमारी रैंक ऊपर है, एंड इनको लग रहा है कि वी कैन बीट मॉन्टेरी। और ये बहुत बड़ा चेंज दिख गया होगा आपको, इन्होंने सी हुएटा को आज स्ट्राइकिंग पे भेज दिया, और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सी हुएटा इज़ अ प्राइमरी मिडफील्डर, आज ये स्ट्राइकिंग कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा भाई। आरफ्यूस मोरी इंजर्ड है, आरफ्यूस मोरी की इंजरी के बाद सिर्फ मार्टिनेज़ है जो कि हैंडल कर सकता है गेम प्ले को, तो आज मार्टिनेज़ के साथ जाएंगे। मिडफील्डिंग में देखिए, रूबल काबा और एक इनका दूसरा प्लेयर है कैसेडो, ये लोग इसके साथ ज़रूर जाते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल, कैसेडो का गोल रेशियो है 10 में से 2, तो ऐसे प्लेयर का क्या ही करोगे। इसलिए बढ़िया है कि आप प्योरो के साथ चले जाइए, क्योंकि मैंने 6 नवंबर को ट्राई किया था, मैं इसके कारण जीता। मैंने 30 सितंबर को ट्राई किया था, मैं इसके कारण जीता। तो कई बार ये मेरे काम आया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये लकी प्लेयर है हम लोगों के लिए। उसके बाद बात करें देन कैनल्स, जो कि द मेन कैप्टन ऑप्शन, और ओकम पास को पिछले मैच में वाइस कैप्टन रखा तो बड़ा बुरा हुआ। क्या हुआ, इसे रेड कार्ड ही मिल गया। रेड कार्ड मिला था 11 नवंबर को, 11 नवंबर के बाद कोई मैच ही नहीं खेला मॉन्टेरी टीम ने, तो ये आज नहीं खेल रहा, दुर्भाग्यवंश आज ओकम पास नहीं खेलेगा। तो आप इसे बाहर कर दीजिए और इसकी जगह पर आप किसी अन्य प्लेयर को ढूंढिए। और मैं बहुत प्लेयर छांट चुका हूँ, मुझे समझ में कोई नहीं आया। तो मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ या तो ओ टोर्स पे है, या मेरा ध्यान है डिफेंडिंग में। डिफेंडिंग में देखिए क्या है कि अगर आप डिफेंडिंग पे ध्यान दोगे तो आप अपना एक डिफेंडर बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफेंडिंग में नहीं लेना चाहते और ओ टोर्स को यहाँ पिक करना चाहते हो तो यहाँ भी कर सकते हो। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आप सोच रहे हो कि इसका गोल आएगा तो आप मेरे भाई दिमाग से निकाल दो, टोर्स का गोल बहुत कम आता है, 20 में से कभी 1-2 बार। इसलिए मैं तो इसके साथ जा नहीं रहा। मैं सबसे पहले मैलागन के साथ भी नहीं जा रहा। पहला जो मेरा प्लेयर है इस टीम का, दैट वाज जी अर्टेगा। अर्टेगा के बाद एस मेडिना, ये मेरे 2 प्लेयर हो गए, और बाकी 2 प्लेयर मेरे बिलोंग करेंगे ऑपोजिशन टीम से। पहला है पेनोवेंडो, नेक्स्ट इज डुअट को हर बार इसलिए लेता हूँ, इसको स्पेनिश लीग 2 का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। और गोलकीपिंग की अगर बात करें तो मॉन्टेरी का गोलकीपर ई एंड्रेड के साथ जाएंगे। बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरा कैनाल्स, वाइस कैप्टन है हुएर्टा। डबल साइडेड मैच है, तो ये मत सोचना कि मैंने ये इन दोनों को लिया तो मैंने इनका ही वो ले लिया, क्या बोलते हैं, गोलकीपर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कोई चेंज करना चाहो ना मार्टिनेस वगैरह में, तो आप बदल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।